तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर माय व्लॉग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि अभी आ रही है दिवाली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम करने वाले हैं दिवाली की सफाई। पहले जो है मैं शुरुआत करूंगा टॉप फ्लोर से, टॉप से ग्राउंड में आऊंगा। जो तो यहाँ पर ये जो सारा सामान पड़ा हुआ है तो इसको करना है क्लीन। तो अभी कुछ ऐसा है तो इन सबको रखते हैं अच्छे से, मतलब ये सारे सामान को यहाँ से हटा के जो काम का है वो रखते हुए, जो नहीं है वो हटा देते हैं। चलो तो भाई जब देखो यहाँ पर जो है जितना भी सामान था वो हट चुका है सिर्फ, तो ये पूरा पार्ट कंप्लीट। और अभी बारी है इन दोनों कमरों की। तो सामने वाला जो कमरा है और ये जो कमरा है, इन दोनों को अच्छे से क्लीन करना है। इसमें पंखे वगैरह साफ़ करने हैं और धूल मिट्टी को भी हटाना है, तो ये सारे काम है। वैसे एक और गुड न्यूज़ है जो कि लाइट नहीं है, तो आज वैक्यूम क्लीनर यूज़ नहीं कर सकते हो फुल ऑन मैं। तो सबसे पहले जो इस कमरे की जो बालकनी है उसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है और बाकी धूल मिट्टी है, तो वो इजीली क्लीन हो जाएगा। तो अभी जो है सब कुछ क्लीन हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लो एकदम पूरी बालकनी जो है क्लीन हो चुकी है, वो भी इस कमरे की बारी। इस कमरे में भी ये कुछ बेड पे सामान है, ये बाकी सामान है। तो यहाँ पर ये पंखे हैं दो, उनको साफ़ करना है और इस एसी को साफ़ करना है। बाकी ऐसे कुछ सामान जो यहाँ वहाँ पड़े हुए उसको उसकी जगह पर रखना है। कमरा साफ हो चुका है, अभी पंखे बाकी ठीक है और नीचे थोड़ा बहुत धूल मिट्टी है, तो उसको साफ। चलो अच्छे पंखे को साफ, वो भी सिनेमैटिक मोड में। तो सामने वाला जो रूम है वो हो चुका है कंप्लीट, वहाँ पर सब कुछ क्लीन हो चुका है और जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए थी वहाँ पर आ चुकी है। अब बारी है मेरे वाले कमरे की। तो फाइनली दोस्तों सारा काम हो चुका है ख़त्म, बस अभी मेरे को नहाने का काम बचा है, बाकी पूरा घर हो चुका है क्लीन। बाकी आई होप सो कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। तो अच्छा तो नहीं लगा होगा, बट फिर भी लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग दिवाली के ऊपर आए या फिर किसी और चीज़ के ऊपर। तब तक आप लोग कर दो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो।